अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के कुलिये बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ये सब सामान लिए, नए तरीके से बनाएंगे। आपने शायद खाई नहीं होगी कभी, नई, बिल्कुल आसान। और जब कुछ चटपटा खाने को मन करे तो आप जल्दी से बना के खा सकते हैं। इस टाइम छोटे आलू भी आए हुए, आप देख सकते हैं। हमने छोटे छोटे आलू ले रखे हैं, वो कुछ बिना छिले हैं, कुछ हमने छील लिए हैं पहले से। ये देखिए, छोटे छोटे से पूरे साबुत आलू लिए। दिखाते हैं इसके हम कुलिये कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने ये सब सामग्री लिए। हमने थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, इसमें कोई मिर्च का कोई हिसाब नहीं है, आप जितनी खाए उतनी आप मिला सकते हैं और डाल सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी नमकीन ली है हमने, थोड़ी सी बूंदी भी ली है, और दही है, और इमली का पेस्ट है। इसका हम प्यूरे बनाएंगे। थोड़ा सा पानी में घोलेंगे इसे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारे पास इमली का पेस्ट है तो हम इसी से ही बना लेंगे। अगर चाहे आपके पास ना हो तो आप साबुत इमली भिगो के उसका पानी भी यूज कर सकते हैं। एक चम्मच भर के ले लें, थोड़ा ज्यादा ही चाहिए हमें। आलू की चाट भी बना लेंगे और कुलिये भी बना लेंगे। ये देखिए, हमने इमली ले ली और इसमें एक दो चम्मच पानी डाल लेते हैं। देखिए, डेढ़ चम्मच ही डाला अभी हमें। इसे हल्के से घोलना है सब पानी में। अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, डेढ़ चम्मच पानी हमने जब डाला था, डेढ़ अब डाल दिया, तीन चम्मच टोटल, तीन चम्मच पानी डाल दिया हमने। ये अच्छे से मिला लेते हैं, आप देख सकते हैं ग्रेवी की तरह हो गया ये, जैसे प्यूरे होता है। ये देखिए, इसे अलग रख देते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक बाउल और लिया है। देखिए, एक हमने सूखी कटोरी ले ली है, बाउल, और उसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक। ध्यान से डालें क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है, इसीलिए थोड़ा सा जीरा, देख सकते हैं ये एक तरह का मसाला ही बन जाएगा। ये देखिए, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे सबको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। जब कभी आपका कुछ अच्छा खाने को मन करे, खट्टा और मिर्चों का मसालेदार, तो आप ये खा सकते हैं। थोड़ी सी मिर्च और डालेंगे, खट्टा मीठा पानी भी बना सकते हैं हम। अभी बनाते हैं, इसमें से आधा थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे, उसमें खट्टा मीठा हो जाएगा। ये देखिए, मसाला अच्छे से मिला लिया हमने। इसे भी अलग रख देते हैं साइड में। इसमें से हम थोड़ा सा अलग लेके इसमें थोड़ा सा चीनी मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी सी चीनी ले ली है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा टीस्पून, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। साथ ही इसमें इमली का पेस्ट भी डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए, बस ढाई चम्मच, इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये खट्टा मीठा हो गया, मिर्चा तो ये डालेंगे सब इसमें, इसमें मिर्चा डालने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे से घोल लेते हैं। ये देखिए, हमने चीनी सब घोल ली है इसमें, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ दाने रह गए वो भी घुल जाएंगे ऐसे रखे रखे। और ये मीठा हो गया अच्छा खासा पानी, ये दिखाते हैं आपको।
ये हम आलू ले लेते हैं और इसमें से हम एक पीस ऐसे टोपी की तरह उतार लेंगे और बीच में से हम ऐसे कुलियां जैसे होती है हांडी ऐसे ये सब चीज निकाल लेंगे। आलू जितना भी बीच में है आराम से टूटे नहीं, बिल्कुल ध्यान से निकालना है। ये देखिए कोई नोक वाली आपके पास छुरी या कोई ऐसी चीज हो तो आप उससे निकाल लें, कि हमारी छुरी नोक वाली है हम इसी से ही निकाल लेंगे। सारा ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सब निकाल लिया है, उसी में आप देख सकते हैं कितना पूरा गड्ढा सा हो गया है जैसे हांडी में होता है, दिख रहा होगा आपको। और इसी में ही हम ये मिर्चे भर देंगे, जो हमने ये मिर्चे मसाला बनाया था ये डाल देंगे। इसी के साथ साथ हम ये खट्टा जो पानी हमने बनाया था इमली का थोड़ा सा ये डाल देंगे। ये देखिए अब इसे छुरी से थोड़ा अंदर कर देंगे ताकि सब मसाले में मिक्स हो जाए। जो हमने इसका आलू निकाला था ये भी इसी पे रख देंगे वापसी। ये देखिए ज्यादा जोर से ना दबाएं, नहीं तो जो हमने इसमें मसाला और ये खटाई भरी है वो सब बाहर आ जाएगी। अब ऐसे ही इसको ऊपर से लगा दें। ये देखिए हमारी कुलियां तैयार हो गई हैं बिल्कुल, और ऐसे ही बना लेते हैं हम सब, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने कुलियां बना ली हैं, ये मीठे पानी की हैं। ये देखिए मीठे पानी की बनाई है हमने, इसमें मीठी इमली डाली है जिसमें चीनी मिलाई थी, जिसे मीठा थोड़ा पसंद है वो मीठा पानी डाल के खा ले, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, बहुत ही मजे के। और ये हमने मिर्चों वाले बनाए हैं जिसमें हमने तीली लगाई है। ये देखिए इसे तीली निकाल के, और आप ये देखिए ऐसे कट करके देखिए आप कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ खूबसूरत लग रही है ये, और खाने में भी इतने ही मजे का लगेगा ये। देखिए इसे भी हम निकाल देते हैं तीली को, और इसे भी कट करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड मिर्चों का मजा और खटाई का मजा। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रही है। और जब भी चटपटा खाने को दिल करे, ये मीठी सॉस के हैं कि ये भी एक काट के दिखा देते हैं। ये देखिए ये मीठी सॉस के हैं, जब भी आपका कुछ मीठा खाने को मन करे आप बनाएं और खाएं और औरों को भी खिलाएं, एंजॉय करें जब भी घर में फ्री हो। थोड़ा सा हम सजाने के लिए ऐसे डाल देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़े से हम चाट भी बना के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये बस खूबसूरती के लिए डालेंगे हम। देखिए थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं ऊपर से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रही है ये, और खाने में भी इतने ही मजे का लगेगा। आप हमारे तरीके से बना के खा के देखिए, एक तरह के चाट जैसे कुलिये हैं ये, इसके अंदर हमने खटाई और वो सब चीजें भरी हैं। आप भी ऐसे बना के खा के जरूर देखिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कुलिये, आपने शायद कभी खाई नहीं हो, और ये हमारे तरीके से आप खा के देखिए जरूर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। और अब हम चाट बना के दिखाते हैं आपको इसी की। ये देखिए हमारे पास आलू और हैं, हम इसके चाट बना लेते हैं। ये मोटे मोटे पीस कर लेते हैं इसके। ये देखिए
ये देखिए आलू हमने सब काट लिए, कट कर लिए, छोटे पीस कर लिए तीन तीन एक आलू के, और ये सब हमने कट कर लिए। अब देख सकते हैं इसमें हम सब मसाला मिलाएंगे, जो हमने उसमें भरा है मसाला कुलियों में वो इनमें मिला देंगे। अगर चाहे आप कुलिये बना के ना खाना चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, हम तो थोड़े ज्यादा ही खाते हैं तीखा, इसीलिए ज्यादा डालते हैं। देखिए इमली का पेस्ट भी डाल देंगे, वो इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ी सी मिर्च और डालेंगे। चटपटा जब भी खाने को मन हो तो आप ये खा सकते हैं बना के। देखिए हम तो जब भी हमारा मन करता है तो खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। आप मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये नहीं है कि हमने इतनी डाली है तो आप भी इतनी डाल के खाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी चटपटी चीजें देख के मुंह में पानी आता है और हमारा दिल कर रहा है अब बस खाने ही से फटाफट से। ये देखिए इसी बाउल में कर देते हैं। और अगर चाहे आपका मन करे तो इसमें दही भी डाल के खा सकते हैं, हमने भी दही निकाली है, अगर चाहे बच्चे खाना चाहेंगे तो खा लेंगे दही से। ये देखिए इसमें भी थोड़े से हम सेव डाल देते हैं, और कुछ डालने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये देखिए थोड़ी सी बूंदी और ये भी इसमें ही डाल देते हैं, नमकीन। ये वैसे इसकी जरूरत नहीं है डालने की, बस ये है कि वीडियो में अच्छी लगे इसीलिए। थोड़ा सा दही भी डाल देते हैं, खट्टा दही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है चाट हमारा, और ये दोनों चीजें हमने बना ली हैं। अब आराम से बैठ के एंजॉय करें, टीवी देखें, और कोई आए तो बातें करते करते खाएं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अगर चाहे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और बना के खा के देखिए, और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि किसी ने कुछ पूछा और कहा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर भी जरूर करें, और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।